तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्वी भारत जो है उसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं और किस राज्य में कितनी सीटें हैं, पहले ये जान लीजिए। पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 2 लोकसभा सीटें, असम में 14, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, मेघालय में 2 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, सिक्किम में 1 सीट है, त्रिपुरा में 2, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। और अब हमने ये सवाल पूछा जब एबीपीसी वोटर का सर्वे चल रहा था कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो इस राज्य के जो पूर्वी जोन है वहां पर क्या डायरेक्ट पीएम चुनने में पीएम मोदी चॉइस होंगे या फिर राहुल गांधी, तो वो भी जान लीजिए कि बिहार में पीएम मोदी को पसंद करने वाले 66% लोग थे जबकि राहुल गांधी को 26%, पश्चिम बंगाल में 60% पीएम मोदी के नाम से सहमत थे तो 35% लोग राहुल गांधी के नाम पर सहमत थे, असम में 53% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है, 30% लोग राहुल के नाम पर हैं, और पूर्वोत्तर का जो इलाका है वहां पर 57% लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत है, 32% राहुल गांधी के, झारखंड में 64% लोग डायरेक्ट पीएम चुनने को तैयार हैं पीएम मोदी को, और राहुल गांधी को 28% लोग चुनने को तैयार हैं, छत्तीसगढ़ में हाल इसी से मिलता जुलता है, 67% नरेंद्र मोदी के नाम पर और 29% राहुल गांधी के नाम पर, ओडिशा में 75% लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी हैं जबकि मात्र 15% लोग राहुल के नाम पर राजी हैं। अब आपको लिए चलते सीधा डेटा सेंटर रोमाना के पास, और डेटा सेंटर से अब मैं आपको बताने वाली हूं पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत की सीटों के लिहाज से जो ताकत है वो आंकड़ा बैठता है 153 सीट का, और ऐसे में ये पूर्वी भारत की 153 सीटें जिसमें 7 बड़े राज्य हैं और बाकी नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य, इसमें क्या तस्वीर उभर रही है, सियासी तौर पर पूर्वी भारत किस तरफ जा सकता है, यह आंकड़ा आपके सामने। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन 42%, इंडिया गठबंधन 38%, अन्य के खाते में 20%, तो कुल मिलाकर यहां एनडीए इंडिया के मुकाबले बाजी मारता हुआ वोट शेयर के मामले में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और मत भूलिए पूर्वी भारत ये वो इलाका जहां जो इंडिया गठबंधन है उसका एक बड़ा टेस्ट इस रूप में माना जा रहा है, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, यहां गठबंधन के साथियों के जोर पर कांग्रेस चुनावी मैदान में, और ऐसे में ये 153 सीटें और 153 सीटों का आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में क्या रह सकता है, बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीटों में दूसरे नंबर पर रह सकता है और एनडीए बाजी मारता हुआ 80 से 90 सीटों पर, सीटों के मामले में भी एनडीए की बढ़त इंडिया गठबंधन पर, ये बड़ी तस्वीर जो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से कुल 153 सीटें पूर्वी भारत की, जहां पर एनडीए के खाते में 80 से 90 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 50 से 60 सीटें जा सकती हैं, अन्य 10 से 20 में सिमट सकते हैं, तो 2019 के मुकाबले यहां पर एनडीए को थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है और इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर बदल रही है वो अन्य वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।